कभी बेटे को डीजे पर नचने दी। आज देखते हैं जेन है डीजे बाजे छे कत्ते माय बहिन के दे हम घर घड़ी उठ जाए छे। लड़का नोचे छे नोचे छे यो सब पार्टी जब दिया लगे छे ना माथा पर साड़ी ससुरी ले माथो ससुरे देखे छे भैसुरे देखे छे दियौरे देखे छे सुंढिया ना देखे छे यलौली ना देखे छे बकरी ना देखे छे गढ़पुरा ना देखे छे हसनपुर ना देखे छे बगल से पति भी देखे जे हमरो पत्नी हिलाए मार लगे हिलाए मार लगे कि मत घिनाए मार लगे। विचार भारत संस्कृति सभ्यता है। आज हम देखते हैं 80 बरस की बूढ़ी है उनके पास में लिहाज है 80 बरस के बूढ़ी मुंह में हौलर चक्की नहीं छे जेने जाने जाए छे भैसुर आवे छे वहो दशा पर सारी ससारी ले छे नीचे कितना लाज लिया है लपका का समझाना आ कलकत्ता पैदल जाना बात बड़ा बात विचार एक पढ़ाई के साथ भी मिल करके नाच डांस करते हैं ये भारत संस्कृति सभ्यता मनुष्य का शरीर भले सुंदर हो लेकिन सुंदर विचार नहीं है वो सुंदर क्या है शरीर में क्या है हड्डी है मांस है मज्जा है खून है मलमूत्र है आंख में किच्ची है कान में बिज्जू है नाक में नेटा है इस शरीर को पवित्र जैसा है लेकिन इस शरीर का विशेषता यही है इस शरीर से हम लोग भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई मुझे ही परलोक संहारा। देखने में सुंदरी है दिन भर दांतों में साड़ी चिबाए कनपट्टी लग भांगी दी थी वो कोनो सुंदरी होले साड़ी चिबल के जुठो होले के नहीं रोटी बनवे जे बड़ो लोग ले साड़ी नीचा कर के हुने के ऊपर कर के रोटी बना तावा पर दिल के साड़ी चिबे ने रे धुल के कोदा वो जुठो रोटी मिला के सब के खिलल के नहीं खिलल के कभी साड़ी दांत के अंदर नहीं लेना चाहिए। खैने खाने वाले भी अशुद्ध रहते हैं आज तक खैने खाकर कभी हाथ नहीं धोए वहनो सभी आदमी जिन सत्संग होम थरेसरी चले छी आ कथा पर ही कहे छी दल कहे न पगड़ी थरेसरी विचार खैने खाने वाले भी कभी हाथ नहीं धोते पवित्रता भी एक धर्म है। भागवत में कथा में आई है धर्म सत ताप दया पवित्रता ये धर्म का चरण है। सत बोलना चाहिए तप करना चाहिए जी पर दया करना चाहिए मंदिर के तरह अपने को भी पवित्र रखना चाहिए। आज लोग मंदिर को पवित्र रखते हैं अपने को अपवित्र करते हैं मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं अपने मंदिर में शराब चढ़ाते हैं उस मंदिर में बेल के पत्ता चढ़ाते हैं अपने मंदिर में राजनिवास गुटखा चढ़ाते हैं उस मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट गांजा का धुआं मारते हैं उस मंदिर में लड्डू चढ़ा देते हैं अपने मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ा देते हैं। असली मंदिर तो ये है जो इस मंदिर में ही आप परमात्मा को स्थान दे सकते हैं। वचन कर्म मन मूढ़ी गति भजनु करे निष्काम तिन्हीं के हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। जीवन में चाहिए ये शरीर राम मंदिर है
ये शरीर शिवालय है, इस शरीर के ही द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ईटा सीमेंट गिट्टी बालू के मंदिर है, उसमें पवित्र जल देते हैं, अपने मंदिर में दारू दे देते हैं, समझ जाइए आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं। उस मंदिर में तरह तरह के मेवा मिष्ठान देते हैं, अपने मंदिर में मछली खाते हैं। कभी गौर से सोचे हैं कि मछली क्या भोजन करते हैं? थूक खेखासो मुर्दा मछली खा, खबैया यंखी में मोतियाबिंद हो जाए। आंख रहते हुए आदमी को मोतियाबिंद का बीमारी। चलिए सुदामा जी गरीब हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला बोली, हे पतिदेव, आप तो कहते थे कि मेरा मित्र है कृष्ण भगवान। सुदामा जी ने कहा, हाँ मेरा मित्र कृष्ण भगवान। सुशीला बोली, एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए जाइए ना। सुशीला सुदामा जी से बोली, पतिदेव आप अपने मित्र से भगवान श्री कृष्ण से एक बार मिलने के लिए जाइए। सुशीला मन में विचार किया कि मित्र के यहां जाएंगे ना तो मित्र जरूर कुछ खाने पीने के लिए मदद कर देंगे, देंगे। सुदामा जी ने कहा, देवी कह तो रही उठी, कृष्ण भगवान मेरा मित्र है लेकिन अभी का मित्र नहीं है, तब बचपन का मित्र है। बचपन में जाति पाति का भेद नहीं रहता है, बचपन अवस्था में गरीबी अमीरी का भेद नहीं रहता है, बचपन अवस्था में काला गोरा होने का भी भेद नहीं रहता है। हमने कहा, सुपनखा से हम विवाह कर लिए हैं, हम तेरे साथ विवाह कैसे करें? पत्नी साथ में है। सुपनखा बोली, साथ में है तो उनको भी रहने दीजिए, उदासी बन करके रहेगी, मेरानी बन करके रहोगी। भगवान श्री राम ने कहा, क्यों जो पहली पत्नी है वो दासी क्यों बनेगी, तेरे साथ विवाह क्यों करूंगा? सुपनखा